खरगोन सहित जिले भर की 6 नगरीय निकाय में बुधवार को मतदान रिमझिम बारिश के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। करीब 8 बजे बारिश शुरू होने से मतदान की गति कुछ समय के लिए रुक गई। शहर सहित जिले भर की 6 नगरीय निकायों के लिए बुधवार को मतदान रिमझिम बारिश के बीच सुबह 7 बजे शुरू हो गया था। करीब 8 बजे बारिश शुरू होने से मतदान की गति कुछ समय के लिए रुक गई। खरगोन के नूतन नगर में वार्ड 28 के पोलिंग बूथ 116 पर मतदान के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप भी लगे, जिसे करीब 20 मिनट तक मतदान प्रभावित हुआ। यहां कांग्रेस प्रत्याशी नीमा गौर निर्दलीय छाबड़ा मैडम ने ईवीएम बटन पर स्याही लगाकर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए मशीन बदलने की बात कही थी। गौर ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मशीन बदली जाए। ईवीएम के 1 और 4 नंबर डिजिट पर स्याही लगी होने से उन्हें आशंका है कि इसमें वोटर भ्रमित होंगे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ने पर एसडीएम मिलिंद होके मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने कहा कि किसी निरक्षर मतदाता ने अंगूठे पर स्याही लगाकर मतदान किया है, इसी कारण ईवीएम पर निशान रह गया। मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नंबर 4 नंबर 1 में गरीब जो अनपढ़ गवार है उनको 2 नंबर और 3 नंबर पता है। उसका अधिकार को आप डिसाइड करोगे। है तो उसे ये जरूर पता है कि 2 और 3 पे डाले। एक तुमको अंदर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप लोग निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं और सुरक्षा करते हैं तो फिर आप निष्पक्ष करवाइए। ये पेटी भी बदलेगी, वो निरस्त होंगे। हमारे वोट कहाँ जाएंगे? हमारे वोट कहाँ? हम काय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो प्रशासन चुनाव क्यों करवा रही है? प्रशासन चुनाव जनता का मत लेने के लिए करवा रही है ना, तो मेरे मत कहाँ गए? वोट डाले और जिस किसी व्यक्ति ने अपना वोट डाल लिया है, कृपया कर अपने घर चले जाएं। अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, भीड़ में शामिल ना रहें, आचार संहिता का पालन करें। मेरे किसी परिचित ने, मेरे बच्चे ने बोला कि वो 116 नंबर के बूथ में 2 नंबर और 3 नंबर पे स्याही फूटी है, अब जाकर देख लो। मैं वहाँ गई, पहले तो मुझे जाने नहीं दिया, फिर मैंने जबरदस्ती गई और मैंने देखा कि यहाँ स्याही फूटी है। मैंने उनसे कहा ये क्या बात है, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए जो अनपढ़ लोग होते हैं वो आते हैं अंगूठा लगा देते हैं। मैंने कहा ठीक है अंगूठा लगाते हैं, तो बोले उन्हीं ने लगाए हैं। मैंने कहा ये तो सच है, पर 1 नंबर और 4 नंबर पर किसी अनपढ़ ने अंगूठा नहीं लगाया। जो अनपढ़ था उसे ये पता था कि 2 नंबर और 3 नंबर पर अंगूठा लगाना है। उससे किस प्रकार का मतदान प्रभावित हो रहा था? उससे बिल्कुल मेरे मतदाता का मत सारा मुझे लग रहा है कि उनमें चला गया, क्योंकि मुझे इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं नजर आ रहा है। क्या मांग करी आपने? मैंने वोटिंग बंद करवाई, रुकवाई, मशीन बंद करवाई। पीठासीन आए, उसके बाद उनके सीनियर आए, पर उन्होंने मेरे से बहुत डिस्कशन करी कि ये मतदाता कहा के। मैंने कहा बिल्कुल मतदाता कहा के, और मुझे बार बार बाहर निकाल रहे हैं, वोटिंग तो होगी। मैंने कहा मेरे मतों का क्या, आप ये बताइए। सुबह से मेरे बहुत सारे मतदाता मत कर डाल के गए हैं, वो मत तो सारे बेकार चले गए, वो कौन देगा? कितनी देर मतदान रुका रहा? 15-20 मिनट, और अभी एसडीएम साहब आए और उन्होंने चालू करवा दिया, उनको बाहर निकाल दे। तुम क्या मांग क्या कर रहे हैं? क्या मैं ये कह रही हूँ कि प्रशासन अगर चुनाव करवाती है तो निष्पक्ष करवाए, मतदाता को मत देने का स्वतंत्र अधिकार हो, और कोई ईवीएम में इस तरह के घोटाले ना करें, किसी के साथ, किसी कैंडिडेट के साथ गलत ना करें। प्रत्याशी ने आपत्ति ली है, यहाँ पर ईवीएम में किसी ने सही लगा दी थी सर, मशीनों के बटनों के? नहीं, मतदान केंद्र में 116 की स्थिति है। इसमें एक्चुअली क्या, जो अनपढ़ रहते हैं मतदाता, उनके अंगूठे के निशान कई बार लग जाते हैं, वो थे, उससे कोई भी निर्वाचन पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निर्वाचन जो लड़ रहे हैं उनके नाम, उनके प्रतीक सब उसमें बने रहते हैं। उन लोगों को समझा दिया और मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।